हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी गुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए, शर्त ये है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही तेरे दिल में सही, हो कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। यदि तुम्हारे सीने में आग है और कुछ करने का जुनून है तो तुम्हारा इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास को एंड तक वही देखेगा जिसके अंदर दम है, जुनून है कुछ करने का, क्योंकि ये वाली क्लास कतई जहर होने वाली है, बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास में करने वाले हैं और इस क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टपकने वाले हैं। समझ रहे बात को? तो ध्यान से अपने हथियार उठाओ और लग जाओ। और याद रखना, तुमको मेहनत तब तक करनी है जब तक कि तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में ना बदल जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाए कि लोग तुम्हारे सिग्नेचर की जगह तुमसे ऑटोग्राफ मांगने आने लगे, समझ जाना कि तुमने अपने जिंदगी में कुछ ढंग का कर लिया है। तो शुरू करते हैं, ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना? या इसी को हम बचपन में पढ़े हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, चलो समझते हैं। चलो इसको समझने से पहले ना दो चीज़ें हैं बेसिक्स, वो मैं तुमको बताता हूँ कि भाई साहब प्राइम नंबर क्या होता है, क्या प्राइम नंबर क्या होता है, और दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है? तुमको पता है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगर पता है तो बताओ क्या होता है। ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों, क्या समझे? ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद, ऐसे नंबर को बोलते हैं क्या प्राइम नंबर। समझ आई बात? जिसके केवल कितने फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है ना? जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, ठीक। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? तो तुम लिख सकते हो मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। समझे बात को? अब ये फैक्टर क्या होता है ये भी बता दूं, बताऊं क्या कि पता है, बताओ, बता दूं। किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर में क्या बचे, जीरो बचे। जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे क्या है फैक्टर्स हो गए। और किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, वो उस नंबर से हमेशा या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो ये कहलाता है क्या फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, भाई साहब क्या, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे ये 12 क्या है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है ना, ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर की बात करें तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ये सारे क्या है प्राइम नंबर से मेरी जान, क्या है प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनके केवल क्या है दो ही फैक्टर हैं। जैसे मान लो 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हैं, या तो 1 है या तो 2 है, तो इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो उसको बोलते हैं क्या प्राइम नंबर। इतनी बात समझ आई? अब देखो यहां पर मैंने 1 नहीं लिखा है, जो 1 होता है ना उसका केवल एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है 1, और वो नंबर खुद वो भी 1, मतलब 1 का कितना फैक्टर है, एक ही है, इसलिए 1 को क्या बोला जाता है यूनिक नंबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है यूनिक नंबर बोला जाता है। अब यदि तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है 2। तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4 है, क्या है 4 है। इतनी बात बेसिक्स थी 5th क्लास की थी जो मैंने तुमको बता दी, ठीक है? अब आगे बढ़े, अब समझते हैं
टॉपिक की बात, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसको बोलते हैं, या इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो तुमने बचपन में कर रखा है, ठीक है। ये कहता क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, हो सकता है कि बोर्ड यहाँ पर शाइन कर रहा हो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, तुम अपने कॉपी में क्या करना, नोट करना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, विच मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। जो भी ये अंग्रेजी भाषा में बोल दिया ना, अब मैं इसको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए तुम्हारे पास कितने स्टेप्स हैं? तीन स्टेप, तीन बातें ये कहता है। कितनी बातें? तीन बातें। पहली बात ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्या कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। पहली बात तो वो ये कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपोजिट नंबर क्या है? 12। आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 3, और ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये क्या कहता है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो तुमने फैक्टराइजेशन किया है ना, ये क्या है? यूनिक है। मतलब 12 को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस करने का केवल एक यही तरीका है। आप दूसरे नंबर को इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि 5 इसमें डाल दो, 7 डाल दो, ठीक है ना, 9 डाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या होता है? यूनिक होता है। ये दूसरी बात ये कहता है। तीसरी बात ये क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका ऑर्डर क्या है। मतलब 2 × 2 × 3 भी हो सकता है, या 2 × 3 × 2 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये तीन बात ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। आई थिंक तुम्हारे भेजे में घुस गई होगी। आगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। तो ये अगर तुमसे कोई बोले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, तो तुम बोलोगे तीन बातें बताता है। पहली बात कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्या होता है? यूनिक होता है। तीसरी चीज, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसको सीख के क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना। इसको सीख के तुम LCM और HCF निकालोगे, ठीक है ना। अच्छा, पिछले वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके तुमने HCF निकाला था ना, हाँ। अब क्या यूज करोगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इनका यूज करके तुम LCM और HCF निकालने वाले हो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टपकने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। HCF क्या होता है, या कैसे HCF निकालेंगे? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। दो नंबर दिए रहेंगे, तीन नंबर दिए रहेंगे, आप उसका पहले क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसका प्रोडक्ट निकाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। मैं भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट पावर होगा किसमें? उन नंबर्स में जिनका तुम LCM निकालने वाले हो, उसका आप यदि प्रोडक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है ना। मैं भी समझाता हूँ ये चीज़ को। अब एक रिलेशन है, क्या एक रिलेशन है, वो तुम नोट कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? किन्हीं भी दो नंबर A और B का जो LCM है, ठीक है ना, किन्हीं भी दो नंबर का जो HCF है, ठीक है ना, That is equal to first number into second number, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर A है, सेकेंड नंबर क्या है? बी है। ये चीज तुम अपने इसमें डब्बे में बंद कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन एक नंबर वाले बनने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है ना। LCM into HCF equal to first number into second number, ठीक है।
HCF और LCM ये कह क्या रहा है इसको मैं समझाता हूँ, समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नोट करो कि LCM और HCF फाइंड करना है 1260 और 72 का, किसका 1260 और 72 का, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है LCM और HCF। सबसे पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो तुमको करना आता है भाई साहब, 12 है तो 2 6 12, 2 3 6 3 1 6, इट मीन्स यू कैन राइट 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर कितने बार 2 आया है, 2 टाइम्स आया है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, वेरी गुड। उसके बाद क्या है 60 है, उसके बाद क्या है 60 है, तो 60 का कर दो 2 3 215 3 5 5 1, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 4 3 12 5 60, कितने बार 2 आया 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर कितने बार 3 1, 5 कितने बार 1, ठीक ये हो गया। उसके बाद भाई साहब 72 है तो 72 का निकाल लो 2 3 6 2 6 12, 2 18 2 36, 2 9 2 3 3 3 1 3, इसको क्या लिख सकते हो 72 को 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4 2 8 3 24, 24 3 72, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 2 3 टाइम्स है, वाओ 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, मज़ा आ गया। और भी कुछ है क्या, अरे बस इतना ही है, ठीक। अब क्या निकालना है तुमको, LCM और HCF निकालना है इन तीनों नंबर का। ये जो दो पॉइंट लिखे हैं वो मैं तुम्हारे भेजे में घुसड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब निकाल दो इनका क्या HCF, क्या निकाल दो HCF, और HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढो, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का क्यूब है। अब तुम 2 का क्यूब नहीं लोगे, क्या तुम 2 का क्यूब नहीं लोगे, क्योंकि तुमको क्या लेना है स्मॉलेस्ट पावर लेना है, क्या लेना है स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर जो सब में कॉमन है दैट इज 2 का स्क्वायर, तो तुमने ले लिया क्या 2 का स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज और भी क्या कुछ कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ का 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर नहीं लोगे, तुम क्या लोगे 3 को लोगे, तुमने ले लिया क्या 3। तो HCF क्या आ गया 2 2 4 3 12, HCF क्या आ गया 12, जो बात यहाँ पर लिखी थी वो चीज़ मैंने तुमको समझा दी, ठीक है, आ रहा है समझ में। अरे ये सब तुम तो छोटी क्लास में कर चुके हो, समझ रहे बात को, अभी तो वजनदार वाले क्वेश्चन आए ही नहीं हैं, अभी तो क्वेश्चन को जो तांडव है ना, जो खेला है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका क्या निकालना है LCM निकालना है, क्या LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी ग्रेटेस्ट पावर है ना वो निकाल लो। जैसे यहाँ पर क्या है ग्रेटेस्ट पावर 2 का क्यूब, तो तुम 2 का क्यूब निकाल लो, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर निकाल लो, और कुछ बच रहा है 5 बच रहा है तो 5 निकाल लो, ठीक है ना। 2 2 4 2 8 3 3 9, और 5 1 5, 8 5 40 × 9 9 4 36, तो 360 का क्या आ गया LCM आ गया, क्या आ गया LCM। तो HCF क्या है 12, LCM क्या है 360, ठीक है ना। ये दोनों बातें मैंने तुमको बता दी, ठीक है ना। जितनी भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी वो सब मैंने तुमको समझा दी, अब इसको तुम नोट कर लो, फिर क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं क्या तांडव। ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। चलो कर लिए नोट, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताओ। और ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ये 2017 में आया था भाई साहब, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, तुम अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। फाइंड द HCF ऑफ
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और उसको लगा लेना क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अरे निकाल दो, अगर तुमने क्लास ढंग से सुनी होगी तो तुम तो उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। भाई साहब बोल रहे हैं कि इनका क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। अरे निकाल दो ना, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 1, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 1, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का, 2 और 4 का, क्या क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, ठीक है ना, इसका एचसीएफ आ गया 2। आंसर, ये क्वेश्चन आया था 2017 में, एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, समझे। अगला क्वेश्चन करें फिर, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की एक मेथड है जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। याद करो, तुम 10,000 साल पहले पढ़े थे ये, जब तुम 5वीं क्लास में थे, ठीक है ना। याद करो फैक्टर ट्री मेथड, जैसे कि मान लो 32 है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 into 16, 2 into 8, 8 है तो 2 into 4, 4 है तो 2 into 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, याद आया ना। अरे पिछले जन्म की बात है, तुम भूल गए होगे, याद करो, दिमाग में जोर डालो, आ जाएगा। आया याद, नहीं आया, ठीक है, अगर याद नहीं आया तो कान के नीचे, अगर तुम वो जब तक पढ़ेगा नहीं तो याद नहीं आएगा। अब इसी फैक्टर ट्री पर बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेरी जान। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में और एक पूछा गया था 2012 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कौन से, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर मैं फैक्टर ट्री बना रहा हूँ ना, फिर उसको उड़ाते हैं। कोई एक नंबर है x, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 3 into 195, ठीक है, 3 into 65, और यहाँ पर y और 30, उड़ा दो। इसमें करना क्या है, इस x की और इस y की वैल्यू निकालना है, फाइंड x एंड y। उड़ा दो इस क्वेश्चन को, बच्चों वाला है, ठीक है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट करता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन का खेला स्टार्ट हुआ है और मैं वो क्वेश्चन तुमको दिखा रहा हूँ जो इस चैप्टर से पिछले साल पूछे गए हैं, समझ रहे बात को। ये क्वेश्चन 2012 में आया था, 18 0 18। तब तक तुम इसको करो, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2 into 9 0 0 9, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 into 3003, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 into 1001, ठीक है, 1001 को लिख सकते हैं, B into 143, ठीक है, 143 को लिख सकते हैं C into D। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में फाइंड A, B, C और D, A, B, C, D की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 2012 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये 2015 में पूछा जा चुका है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फैक्टर ट्री मेथड है, ठीक है ना। उड़ा दो जरा इसको, देखो तुमको पता है यहाँ पर जो भी नंबर होगा उन्हीं को तुमने तोड़ कर लिखा है, मतलब जो भी नंबर होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 195 एंड 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, 195 into 3, 5 3 15 की 5, कैरी में गया 1, 9 3 27, ठीक है, और 128 की 8, कैरी में गया 2, 3 1 3 और 2 5 585। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 585, ठीक है। यहाँ पर y निकालना है, अरे ऑब्वियस ही बात है, 65 को लिखा है 13 into what, y 13 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं कि 65 आ जाए। 13 का टेबल पढ़ो, नहीं बनता 13 5 65, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तुमने x और y की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी, ये क्वेश्चन को हो गया निपटारा, एक नंबर तुम्हारे खाते में। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अब कुछ चीजें तो तुम खुद ही बता दोगे, 9009 को लिखा है 3003 और a में किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, मतलब a की जगह क्या रखें,
कि जिसको मल्टीप्लाई करें 3003 से तो 9009 आ जाए। आंसर है क्या? 3। निपटारा हो गया, ए निकल आया बी। अब यहां पर क्या आ रहा है, 1001 है तो 143 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 है तो 7 3 21 होता है, तो 143 इंटू 7 करके देखो, 7 3 21 के 1 कैरी में गया 2, 7 4 28 और 30 07 आ गया, मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अब यहाँ पर सी और डी की वैल्यू निकालना है, मतलब 143 को ऐसे तुम कैसे दो नंबर में ब्रेक कर दो जिनका मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, 143 आ जाए। तो देखो 143 है, देखो 11 से चला जाएगा, ठीक है ना, 143 11 से चला जाएगा, हाँ 11 11 11 13, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई 11 और डी की वैल्यू क्या आ गई 13। ए बी सी डी सारे की वैल्यू तुमने क्या कर दी, निकाल दी। ये सारे क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन का निपटारा हो गया। तुम नोट करो फटाफट से, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 1.2 का निपटारा भी आज ही हो जाएगा, सारे क्वेश्चन 1.2 के भी आज खत्म होने वाले हैं, ठीक, नोट कर लिया तुमने, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशन लिखवाया था ना, LCM into HCF equal to first number into second number, है याद है तुमको, अरे अभी अभी पिछले साल ही लिखवाया था, याद आया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन, द HCF ऑफ 45 and 105। भाई साहब दो नंबर का HCF 45 और 105 का जो HCF दिया है वो कितना दे के रखा है, 15 दे के रखा है, और बोल रहे हैं इनका LCM तुम निकाल दो, क्या कर दो, LCM निकाल दो। तुम बोल देना हम नहीं निकालेंगे, तुम्हें निकाल लो, कहे को निकालेंगे, हाँ बोल लेना, ऐसे लिख देना एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये भाई अपने से करके देख लो, हम नहीं बताएंगे, ठीक, हम बताएंगे तो कोई पता चल जाएगा, समझ रहे बात को, तो ऐसे कर देना, ठीक है। देखो दो नंबर, एक नंबर है 45 और दूसरा नंबर है क्या 105, इन दोनों का HCF देकर रखा है 15 और बोल रहा है क्या LCM निकाल दो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुमको रिलेशन पता है कि LCM into HCF equal to first number into, सो तो नहीं गया, हाँ मेरे को पता है मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम बाथरूम सिंगर हैं भाई साहब, क्या बाथरूम सिंगर, सिंगर विंगर नहीं है, सिंगिंग विंगिंग नहीं आती हमको, ठीक है, तुम्हारा मनोरंजन किए रहते हैं, है ना। चलो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। अब LCM कितना है इसका, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो LCM क्वेश्चन मार्क है। HCF कितना है, 15 है, और पहला नंबर कितना है 45 है, और दूसरा नंबर कितना है 105 है, तुमको LCM इसका निकाल देना है, तो 45 into 105 15 1 जा 15 15 3 जा 45 5 3 जा 15 5 1 जा 5, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ला 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 ला, आ गया ना। चल ये बच्चों वाले क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कई बार एक नंबर मिस कर दे, दूसरा नंबर दे दे, HCF दे दे, LCM दे दे, तो ट्रांसपोर्ट करके तुम निकाल लोगे, ठीक है ना, मैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन करके समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, ये तुम कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाओ किसमें, किसमें आ जाओ, मैदान में आ जाओ, 1.2 NCERT के क्वेश्चन आने हो रहे हैं स्टार्ट, और कॉपी पेन संभाल के इस बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुमको होमवर्क में मिलने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो जो भी आंसर, जो भी होमवर्क है, उस होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में डाले, ठीक है, जो भी आंसर डालेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर से लूंगा, ठीक है ना, करो, उससे पता चलता है कि तुम मेहनत कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ रहे बात को। और याद रखना, तुम मेहनत करोगे तो उसको फल देने वाला कौन है, ऊपर वाला, कभी भी खुद से गद्दारी मत करना, ठीक है, खुद के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना, एक दिन दुनिया तुम्हारे कदम चूमने वाली है, तुम इतिहास रचने वाले हो, और अपने इसी कलम से और इसी पेन से तुम इतिहास, इसी कलम और कॉपी से तुम अपना इतिहास रचोगे, अपनी कहानी तुम खुद लिखने वाले हो, मेहनत से कभी डरना नहीं मेरी जान, ठीक है ना, मेहनत जी तोड़ करना, ठीक है ना,
मेहनत जी तोड़ करना और तब तक करना जब तक कि तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल ना जाए। अगला क्वेश्चन 1.2 की स्टार्टिंग हो रही है क्या, 1.2 की स्टार्टिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है ना। चलो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब तुम्हारे एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 2 कराऊंगा। देखो तुम नोट कर लो, 140, ठीक है, 156, 3825, ठीक है ना, 5005, ठीक है, 7429, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये मैं कराऊंगा, और ये और ये और ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। तो 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ तुम इनको सॉल्व करो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इन सारे नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अरे बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, इनको क्या बताना। देखो 140 है, ठीक है, कर दे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 7, 14, 2, 35, और यहाँ पर क्या, 5, 7 जा और 7, 1 जा, तो 140 का तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया क्या, 2 × 2 × 5 × 7, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये क्या है 3825, इसका कर दो। देखो ये लास्ट में 5 मतलब 5 से निपटने वाला है, एक बार 3 से चेक करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 18, 3 से भी जाएगा, तो 3 × 3, 3, 2 × 6 बचा 2, 3, 7 × 21, 3, 5 × 15, एक बार इसको फिर से चेक करो, 3 से जाएगा, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 3, 4, 12, 3, 2, 6, 3, 5, 15, फिर 5 से 5, 8, 40, 5, 5, 25, फिर 5 से तो 5, 1, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 35, 17 क्या एक प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 17, कहानी रोक दो यहीं पर, लो कर दो एक बार और, हाँ 17, 1, 17, इसको यदि लिखना है तुम क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बाकी 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, हो गई बारिश। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 26, 91, 5, 10, 92, 3, 3, 6, 54, ठीक है। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर उस रिलेशन को क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है, ठीक है ना, उस रिलेशन को क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है, ठीक। कौन सा करवा दूं मैं, कौन सा करवा दूं, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो पहले क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तुमको सब कुछ पता है, तुम सब कुछ जानते हो मेरी जान, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। 336 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जरा चिल्लाओ वहाँ से और तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फिर मिलाना मेरे से, ठीक है ना, सही किया कि नहीं। 2, 1 जा 2, 2, 6 जा 12, 2, 8 जा 16, 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा, 2, 2 जा, 2, 1 जा, 3, 7 जा, 7, 1 जा, इसकी कहानी ख़त्म। 54, 2, 2 जा, 2, 7 जा, 3, 9 जा, 3, 3 जा, 3, 1 जा, ठीक है ना। अब 336 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बता दो, हाँ 336 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 54 को क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × 3, अब कितने बार 2 रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, दुर्गा जी की जय जयकार, × 3 1 टाइम और 7 1 टाइम, ठीक है ना।
इंटू यहाँ पर कितने बार, एक दो तीन बार, तो थ्री का क्यूब। अब क्या निकालना है इसका, पहले एलसीएम निकालना है और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बोला पहले कॉमन ढूंढो क्या है दोनों में, यहाँ टू कॉमन है और टू कॉमन है, ठीक है, टू की पावर फोर, टू की पावर यहाँ पर वन। तुमको स्मॉलेस्ट वाला लेना है तो तुमने ले लिया क्या, टू की पावर वन। थ्री को चेक करो, यहाँ पर थ्री की पावर वन है, यहाँ पर थ्री की पावर थ्री है, तो छोटा क्या है, थ्री की पावर वन, ये ले लिया, थ्री टू जे सिक्स, क्या गया इसका, एचसीएफ आ गया, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है तो ग्रेटेस्ट वाला लेंगे, ये क्या है, टू की पावर फोर है, तो टू की पावर फोर ले लो, ठीक है, यहाँ पर थ्री की पावर थ्री है, थ्री की पावर थ्री ले लो, और क्या बचा, सेवन बचा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना रहा है, अरे करो ना भाई, इतना बड़ा मैं थोड़ा करूँगा, देखो कितना बड़ा है, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, टू ज़ा सिक्सटीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, और सेवन बन जा सेवन। जरा इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर तुम फटाफट से बताओ, मल्टीप्लाई करो भाई साहब, इसका आंसर क्या है, आ गया आंसर, ठीक है, 3024 आ रहा है क्या, 3024 आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया, अब क्या करना है, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, क्या करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे, रिलेशन डाल दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, निकालो कितना आ रहा है, एलसीएम 3024 6, 6 4 जा 24 की 4 कैरी में गया 2, 6 2 जा 12, 2 14 और 6 3 जा 18, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन निकालो किसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालो भाई साहब, कहाँ चला गया फर्स्ट नंबर, 336 इंटू 54, चेक करो इसको मल्टीप्लाई करके देखना आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना, 18144, ठीक है ना, इन दोनों से तुम लिख सकते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना, ये तो वेरीफाई करना था, ये क्वेश्चन उड़ गया और ये दो क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। अच्छा, नोट कर लो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहुंचते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन से मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस इसमें दो नंबर हैं और उसमें कितने नंबर हैं, तीन नंबर हैं, अपने होमवर्क बहुत अच्छे से नोट करना मेरे जान, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम आंसर मुझे जरूर दो, ठीक है, मेरे को भी खुशी होती है कि तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितने क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन हैं, पहला 12, 15, 21, 17, 23 और 29 और 8, 9, 25, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे ही करना है, ठीक है ना, ये वाला तुम्हारा क्या होमवर्क, ठीक है ना, ये वाला होमवर्क और ये वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, देख लो कैसे करना है, ठीक है, 12, 15, 21, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6, 3 बन जा 3, 3, 5 जा 15, 5 बन जा 5, 3, 7 जा 7, 1 जा, ठीक है ना, 12 को क्या ले सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, अभी मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, इंतजार करो, ये लास्ट ही घटिया क्वेश्चन है, इसके बाद मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं पिक्चर में, ठीक है, 3 × 7, क्या निकालना है इनका, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, एचसीएफ क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो इसमें कॉमन क्या है, ये 3 है, 3 है, 3 है कॉमन, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 3, एलसीएम निकालना है, 3 3 3 से कॉमन 3 आ गया, यहाँ पर क्या है, 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 7 है, ठीक है ना, 5 4 ज़ा 20, क्या 5 4 ज़ा 20 और 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 420, तो 420 इसका एलसीएम है और एचसीएफ क्या है भाई साहब इसका, 3 है, ठीक है ना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाकी ये होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लेना, इसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, गिवेन दैट कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। ये तो घटिया क्वेश्चन है। देखो दोनों नंबर तुमको पता है, ठीक है ना, 306 और 657, ठीक है, उनका HCF दे कर रखा है 9, उनका LCM निकाल दो। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा, ये तुम खुद से करने वाले हो, ठीक है ना, इसको तुम खुद से कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है, 1.2 का पूरा निपटारा कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, यहां से थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, कंसीडर द नंबर 4n। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये का और ये एग्जाम में भी 2015 में आ चुका है, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है, कंसीडर द नंबर 4n, कोई एक नंबर है 4n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर जो n है, जहां पर n जो पावर वाला है, दैट इज व्हाट, नेचुरल नंबर, जो कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ डिजिट 0, क्या n की कोई वैल्यू है जिससे जो भी इसकी जो वैल्यू आ रही है ये 0 से एंड करे, ठीक है ना, क्या करे, 0 से एंड करे, कि n की कोई ऐसी वैल्यू है कि 4n ends with डिजिट 0। अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लो, ठीक है ना। देखो एक नंबर देके रखा है 4n, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब तुमको ये बता देना है, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि ये जो 4n है ये 0 से एंड हो, क्या 0 से एंड हो। n क्या है, यहां पर नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर तुम 4 की पावर क्या रखते हो, देखो 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 से स्टार्ट करोगे तो 4 की पावर 1 क्या गया 4, 2 करोगे तो 4 4 16। तो क्या यहां पर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो नंबर है इनके लास्ट में 0 वगैरह आ जाए, 0 आ जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये तुमको बताना है। अब यहां पर ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट की बात, देखो जो भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा, कोई भी नंबर यदि 0 से एंड करेगा, इसका मतलब वो 10 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एनी नंबर विच एंड्स, मैं इसको लिखता हूं, इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करना है, वी नो दैट, अंग्रेजी लिखना पड़ेगा ना तुमको एग्जाम में, तब तो नंबर मिलेंगे। वी नो दैट एनी नंबर विच एंड्स विथ 0, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि 0 से एंड हो रहा है, देन दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर इसके लास्ट में 0 आएगा तो ये नंबर 10 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, या 10 का ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये बात तुमको समझ आ गई। अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर मस्ट हैव 2 एंड 5 होना चाहिए। अब देखो ये क्या देके रखा है, 4n देके रखा है, 4n, 4 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 का स्क्वायर, इसका भी क्या है पावर n, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या है, ये 2n है, क्या है, 2 की पावर 2n है।
अब यहां पर टू और फाइव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू और फाइव। अगर टू और फाइव है यहां पर तब इसके लास्ट में क्या आएगा, टेन आएगा। लेकिन टू तो है लेकिन फाइव नहीं है, टू तो है लेकिन फाइव नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने समझा दिया, ठीक है, इसको हटाता हूं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव टू एंड फाइव इन फोर की पावर एन और टू की पावर टू एन डज नॉट हैव फाइव इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइव नहीं है। सो क्या कोई एन की ऐसी वैल्यू है जिसमें ये नंबर जीरो से एंड हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे, मैं क्वेश्चन से देखकर इसका आंसर लिखवाता हूं। इसका आंसर तुम क्या लिखोगे, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन से देयर। नो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है फॉर विच फोर की पावर एन एंड्स विथ जीरो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसी वैल्यू होती तब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में टू और फाइव आता, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है मेरी जान, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फाइव था ये, ठीक है ना, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल नंबर फाइव था जो 2015 में आ चुका था, ठीक है ना। ये समझ गए होगे तुम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब तुम्हारे बुक का, ठीक है ना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब पूछ रहा है क्या 6 की पावर n में ऐसा पॉसिबल है कि 0 से हो? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n और 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर n, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यही कहानी इसमें भी लिखना है और लिख देना है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए बात को। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और है, ठीक है ना, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया 6 की पावर n वाला। एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पिछले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है, शो दैट 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कि 7 की पावर n है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो कहानी सेम है, 7 है तो 7 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 1 की पावर n, इसमें तो 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये भी एंड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 से 2 नंबर में, ठीक है ना। चलो बात आगे, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ रहे हो ना। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं ठीक है। एक्सप्लेन तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर सेवन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तुमको बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। घटिया क्वेश्चन है। तुमको बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट नंबर कोई कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है यदि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट होगा। बस तुमको इन दोनों नंबर में शो कर देना है कि ये दोनों में इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो शो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंपोजिट है। घटिया क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। पहले ये वाला देखो, ठीक है। सेवन इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13, तुमको शो करना है कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। यहाँ भी 13 कॉमन निकालो, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 11 7 जा 77 प्लस 1 13 इंटू 78, ठीक है। जो भी नंबर है
जो भी नंबर है उसे कितने फैक्टर आ गए, 17, और ये क्या है 78 है। 78 को और फैक्टराइज करोगे तो दो से ज़्यादा जो है ना क्या आएंगे, इसके और फैक्टर्स आएंगे। तो ये जो भी नंबर होगा इसके फैक्टर दो से ज़्यादा आ रहे हैं। सिंस दिस नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। बस ठीक है ना, इसको नहीं करवा रहा मैं, ये तुम खुद कर लेना। देखो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, दोनों से 5 कॉमन निकाल देना, सॉल्व कर देना, और ये भी क्या है कंपोजिट नंबर निकल आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को इसको चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल एक रवि भाई साहब हैं, वाइल रवि टेक 12 मिनट, तो जो सोनिया को कितना लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स। ठीक है ना, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बड़े आसान है। ठीक है ना, 18 मिनट्स लगता है, और जो रवि है ना, रवि को कितने मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है ना, फॉर द सेम करने में, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों भाई साहब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये भी सोनिया भी इधर जा रही है और सोनिया के पीछे पीछे रवि भी आ रहा है। ठीक है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद वो दोनों आकर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरी जान, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तुमको ये बताना है कि फाइनल पोजिशन में आकर फिर से कब मिलेंगे, ठीक है ना, तब तुम क्या निकाल दोगे, इन दोनों नंबर का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, तो निकाल दो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। 18 है तो 2 3 6, 3 18, 12, 2 2 4, 3 12, इनका एलसीएम निकालना है, तो ये 2 और 2 से एक 2 बाहर, इस 3 और 3 से एक 3 बाहर, इस 3 और 2 से एक 3 और 1 2, 3 2 6, 2 12, 3 36, इसका मतलब 36 मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन से कुछ फ्रेजेस निकाल के तुम स्टेटमेंट बना सकते हो क्योंकि क्लास 10th में हो। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा हो गया। ठीक है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन तुम करना खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, अगला क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी के खत्म हो गए, अब मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन तुमको कराना चाहता हूँ जो पिछले साल में इस टॉपिक से आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। 3 × 12 × 101 +4, तुमको क्या करना है, ये क्वेश्चन तुम नोट करो। एक्सप्लेन वेदर दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तुमको बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है क्या, मैं चाहता हूँ उनका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दो, ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, या फिर कंपोजिट नंबर है, तुमको बताना है। ये क्वेश्चन अभी सेम इस तरह कर चुके हैं, बना दोगे तुम। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है और पिछले साल में आ चुका है। ठीक है, 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर्स, 2 टैंकर हैं जिसमें से एक में 850 लीटर्स है और दूसरे में जो है ना 680 लीटर क्या है, पेट्रोल है। ठीक है ना, 2 टैंकर हैं, एक में 850 लीटर पेट्रोल है और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल है, अच्छी बात है, रहने दो, हमको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है ना, तुमको क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, क्या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, और जब भी तुमको मैक्सिमम हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ये सब निकालना हो तो तुम क्या निकाल दोगे, सिंपली HCF निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, HCF। तो इन दो नंबर का तुम HCF निकाल देना, यही तुम्हारा क्या है आंसर, और इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर आएगा तुम्हारा जब सॉल्व करोगे, तुम बता देना ठीक है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है मैं कल बताऊँगा इसका आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट तू अपने से फ्रेज कर लेना। अब एक क्वेश्चन जो है ना, मैं तुमको लास्ट क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, मज़ेदार क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाना जरूर, ठीक है, प्रैक्टिस होगी तुम तुम्हारी, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 and 99, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि तुमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर तुमको फाइंड करना है, एक लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 and 99, जो 31 और 99 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या देता है, क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2017 का क्वेश्चन है भाई साहब, ये कब का है, 2017 का, ठीक है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 and 99 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 5 and 8, मतलब तुमको वो नंबर बताना है जो 31 को डिवाइड करे यदि तो रिमाइंडर कितना छोड़े, 5, और 99 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना छोड़े, 8, ठीक है ना। और वो नंबर तुमको बता देना है, तुमको क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर, मैंने बताया लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, जब भी हो तो क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना, तुमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो न्यू नंबर, जो न्यू नंबर है वो क्या बनेगा, देखो रिमाइंडर क्या है, जो लास्ट में बचता है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा बच रहा है तो इस नंबर में उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो न्यू नंबर क्या बन रहा है, 31 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, और दूसरा नंबर क्या है, 99 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8, तो 31 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 27, अरे नहीं 26, ठीक है ना, 26 आया, 99 में से 8 गया तो कितना आया, 91 आया, ठीक है। अरे ये समझ रहे हो हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इनको डिवाइड करे, मतलब इनका HCF निकालना है, लेकिन 31 पे वो रिमाइंडर कितना डाल रहा है, 5 डाल रहा है, 99 में वो रिमाइंडर कितना डाल रहा है, 8 डाल रहा है, तो जितना रिमाइंडर बच रहा है तो पहले उनको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट करके न्यू नंबर निकाल लो, जो भी ये नंबर आए हैं इनका निकाल लो HCF, क्या HCF निकाल लो, किसका, 26 और 91 का। अब 26 है, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 into 13 आ जाएगा, 91 है तो 7 into 13, है ना, 13 7 91, 13 7 91, तुमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट हो, 13, ठीक है। HCF क्या निकल आया, 13, ठीक है ना। सो द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 31 and 91 लीविंग 5 and 8 रिमाइंडर, लीविंग 5 and 8 रिमाइंडर इज 13, क्या 13, समझ गए, वो नंबर क्या है, 13, मतलब 13 वो हाईएस्ट नंबर है जो 31 और 99 को जब डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 और 8। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है जिसमें ये बोले कि इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो सबसे पहले जो नंबर दिए उनमें से रिमाइंडर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो तुमको न्यू नंबर मिले उन दोनों का निकाल दो, क्या HCF, और क्या आ जाएगा आंसर। मैंने तुमको 1.2 के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, दूसरी बात प्रीवियस ईयर के और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तुम अगर इस क्लास को ढंग से देखे होगे और इसके नोट्स बनाए होंगे तो कन्फर्म एक क्वेश्चन इस क्लास से ही टपकने वाला है और तुम उसको उड़ाने वाले हो। मैं चाहता हूँ, ये मैं दिल से चाहता हूँ, अगर तुमको मेरी मेहनत की जो है ना जरा भी परवाह है और तुमको लगता है कि मैं यहाँ पर एक घंटे खड़े होकर तुम्हारे लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, इससे मेरे को पता चलेगा तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आगे की मैं वीडियोस बनाऊंगा, समझ रहे बात को। और याद रखना, अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट देने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, और अभी हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदला नहीं है, उसको तो
ऑटोग्राफ में बदल के रहेंगे, समझ रहे हो? बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? ऑल द बेस्ट।